हैं खान साहब। जी अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, आमिर भाई वालेकुम साहब सलाम। जी। मुफ्ती साहब, मेरा सवाल मतलब मैं किसी मुल्क के मुझसे सुन रहा था, तो ये इंसेस्ट के ताल्लुक से, एक्चुअली जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो मानता है वो एक्चुअली लिबरलिज्म के नीचे आता है, तो उनके नजरे में जो एक्चुअली सवाल उठा रहे वो उन लोगों के ऊपर ही भारी पड़ता, क्योंकि उनके हिसाब से, लिबरलिज्म के हिसाब से इंसेस्ट तो मोरली राइट थिंग है, तो वो लोग हमारे पे एतराज उठाना तो गलत बात होती। फिर भी मैं जानने के लिए पूछ रहा हूँ कि जो आदम अलैहि सलाम और हव्वा अलैहि सलाम के जो बच्चे हुए थे, तो एक ही माँ बाप से हुए थे, तो उनके बीच में जो अलग अलग शादी हुई थी, तो वो भी तो इंसेस्ट के नीचे काउंट होता ना? तो और हम बोलते कि हमारी मोरालिटी ऑब्जेक्टिव रहती है और सब्जेक्टिव, थोड़े थोड़े सब्जेक्टिव है जो चेंज होते, तो क्या जो उनके औलाद थी जो अलग अलग दिन में पैदा हुई वो एक्चुअली में ब्रदर एंड सिस्टर ही होना चाहिए, लेकिन क्या ये सब्जेक्टिव मोरालिटी है जो चेंज की गई, और ये इंसेस्ट का केस है? इसका आंसर मुझे चाहिए था, और मैंने सुना था कि इजरायली रिवायत में से है, तो इस्लाम में कोई ऐसी सही हदीस नहीं है जिस जो ये बताती कि आदम अलैहि सलाम और हव्वा अलैहि सलाम की मतलब दोनों जिमा करके बच्चा पैदा करें। जी हाँ, जो रिवायत, इससे पहले भी एक मरतबा बात हुई थी आमिर भाई, शायद आपको याद होगा कि ये इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु की तरफ ये कौल मनकूल है और बास तफसीर की किताबों में लिख दिया गया है, और उन्होंने फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इसको मंसूब नहीं किया, और उसकी निस्बत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु की तरफ ये भी मशकूक है। तो बहुत सारी तफसीरों के अंदर आपको रिवायतें ऐसी मिलेंगी कि अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास से मरवी है, जो कि अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास कुरान की तफसीर में अथॉरिटी थे, लेकिन जब आप उस रिवायत इन्वेस्टिगेट करते हैं तो पता चलता है कि नहीं जी, ये तो गलत तरीके से उनकी तरफ मंसूब कर दी गई महज क्रेडिबिलिटी देने के लिए उस रिवायत को। तो हमें ये देखना चाहिए कि वो रिवायत ऑथेंटिक है या नहीं है। अब अगर ये इस हदीस होती, आप सल्लम का कौल होता, कुरान की आयत होती, तो यकीनन हम कुछ कह सकते थे। लेकिन मैं एक पॉइंट जरूर यहां रखना चाहूंगा कि इंसेस्ट जो है वो फितरी तौर पर हराम जरूर है, लेकिन इंसेस्ट में कौन कौन से रिश्तेदार आते हैं ये चीज फितरी नहीं है। इस चीज को एक्सपेंड किया जा सकता है, श्रिंक किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर अगर हम इसको मान भी लें थोड़ी देर के लिए कि ऐसा ही हुआ, ये जो बात कही जाती है कि हजरत हव्वा के यहाँ औलाद होती थी तो एक बतन से जो भाई हुआ उसकी शादी दूसरे बतन से जो बहन हुई है उससे हुई होती थी, तो बतन के इख्तलाफ की वजह से अब इसको हम इंसेस्ट कहेंगे ऑब्जेक्टिवली या नहीं कहेंगे, ये एक चीज क्वेश्चनेबल है। लेकिन सीधी सीधी बात यही है कि इस्लाम में इस ताल्लुक से कोई हमें वाजह चीज नजर नहीं आती है कि नस्ल इंसानी कैसे बढ़ी है, और इसीलिए फिर हमारे ऊपर उसको डिफेंड करने की कोई जिम्मेदारी है भी नहीं। और यही वजह है, यही पॉइंट है कि बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि एवोल्यूशन को हम मान सकते हैं, चूंकि एवोल्यूशन क्रिएशन के खिलाफ नहीं है, जो गो के मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता हूं, लेकिन बहरहाल कुछ लोग इसी वजह से ये कहते हैं, चूंकि जो रिवायतें हैं इस ताल्लुक से वाजे नहीं है। जी, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जिस तरह अल्लाह ताला ने पहले जोड़े को बनाया, अल्लाह ने बाद वाले जोड़े भी बनाए हो, ठीक है, हो सकता है, यानी ये चीज कति नहीं है, जिस तरह आपने कहा कि कति नहीं है, बिल्कुल इस पर हम बात नहीं कर सकते। जी, इसका मतलब ये हुआ कि मतलब जैसा आदम अलैहि सलाम को बिना माँ बाप के पैदा करे, हव्वा अलैहि सलाम को भी बिना माँ बाप के पैदा करे, ईसा अलैहि सलाम को बिना बाप के पैदा करे, वैसे ही आदम अलैहि सलाम और हव्वा अलैहि सलाम के औलाद को मतलब बिना वो जिमा करे या सेक्स करे पैदा किए, हम कुछ भी इस ताल्लुक से नहीं कह सकते कि उनके दरमियान इंटरकोर्स हुआ तो वो पैदा हुए या नहीं हुआ तो इस तरह पैदा हुए। इस ताल्लुक से जब देखें, इस्लाम की खसूसियत ये है कि हम जो बातें टेक्स्ट के ऊपर डिपेंड करती हैं तो हम उनको टेक्स्ट से ही समझने की कोशिश करते हैं, फिर हम अकली घोड़े नहीं दौड़ाते। जो चीजें अकल से समझी जा सकती हैं वहां से वहां अकल काम में लगाते हैं। लेकिन एक हिस्टोरिकल इंसिडेंट है, आदम अलैहिस्सलाम का वजूद एक हिस्टोरिकल इंसिडेंट है, उनकी ऑफस्प्रिंग का बढ़ना एक हिस्टोरिकल इंसिडेंट है। अब वो कैसे बढ़ी, हम अकली तौर से किसी भी चीज को ये नहीं कह सकते कि ऐसा हुआ और ऐसा नहीं हुआ, ये पॉइंट मैं कहना चाह रहा हूं। और नकल यानी जो टेक्स्ट है उसकी वो गाइडेंस नहीं है हमारे पास। अब खुद सोचें ना, अपना खान भाई, आप खुद सोचें कि जहां अल्लाह ताला ये बता सकते थे कि आदम अलैहि सलाम, अल्लाह वो भी बता सकते थे, उसको इंसानों की रिसर्च पर छोड़ दिया। देखें आज उसी पर रिसर्च हो रही है कि क्रिएशन का जो ओरिजिन है वो क्या है, ठीक है ना, उसी पर रिसर्च हो रही है। तो अगर बता दिया जाता तो उसके ऊपर तो और बहसें हो रही होती। खैर चले ठीक है। नहीं, मतलब डाउट क्लैरिफाई नहीं हुआ, मतलब ऐसी सही हदीस तो नहीं है कि आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम के बीच में जिमा हुआ था और बच्चे, कोई हदीस नहीं है, उन्होंने बता दिया, कोई ऑथेंटिक नहीं है इसके ऊपर। कुछ इसराइलियात की हैं, कुछ मकतूर रवायात हैं, उनकी निस्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ नहीं होती, उन्होंने बता दिया आपको।
जी मतलब हम दावा तो नहीं करते कि 100% ऐसा ही हुआ, लेकिन क्योंकि उसके उसके बारे में जिक्र नहीं है, हम साइलेंट है उसी चीज पर। तो हम और इंटरेस्ट साइलेंस है, का और हमारा जो साइलेंस है वो जस्टिफाइड है, ये मैं कह रहा हूं कि अगर हमारा साइलेंस जस्टिफाइड ना होता कि भाई हम एक हिस्टोरिकल इंसिडेंट को टेक्स्ट या टेस्टिमोनी की बुनियाद पर ही तो तय करेंगे ना, एक हिस्टोरिकल इंसिडेंट को आप रैशनल बुनियादों के ऊपर तय नहीं करेंगे, ये मैं पॉइंट कहना चाह रहा हूं। और जो टेस्टिमोनी है वो वाजह नहीं है, तो कैसे कहेंगे कि नहीं ऐसे लेकिन ही हुआ। लेकिन लॉजिकली तो आदमी और औरत गरीब आए तो बच्चे पैदा होते ना, तो लॉजिकल लॉजिकली गया फिर मान के चाहे, चलना वो ऐसे ही हुआ होगा, चले फिर तो फिर वो इंसेस्ट हुआ ना, तो हम इंसेस्ट को गलत मानते, इट्स अच्छा मोरली इंसा, एक मिनट रॉन्ग। मेरी बात सुन, एक मिनट, एक हजरत एक मिनट, इंसेस्ट को गलत क्यों मानते हैं, गलत क्यों मानते हैं बताएं। क्योंकि अल्लाह ने कहा हाँ तो हो सकता है अल्लाह ने उस वक्त ना कहा हो, चलें बहुत शुक्रिया जी। तो अच्छा वो वही भी तो बात पूछ रहा है। था मैं, अच्छा एट ए पॉइंट ऑफ टाइम इट वाज, इट कम्स खान अंडर साहब, सब्जेक्टिव मोरालिटी। खान साहब एक बात बताइए, आप अभी कुछ दिन पहले हारिस सुल्तान की स्ट्रीम में गए थे क्या? नहीं, गया था। क्यों? मुझे लग रहा है ऐसा ही। नहीं हाँ नहीं नहीं इनकी गया था आवाज रही वो। है, अगर थोड़ा सा डिफरेंट है, मुझे भी लग रही है इनकी आवाज। हाँ अच्छा हाँ नहीं, गया था अच्छा वो, बहुत बहुत 1 साल हो गया वो शायद जाके, बंद कर दिया वो, अच्छा बेकार लोगों के पास जाना, गलत लोग मगर है वो। चूंकि इनका नहीं हजरत, मैं नहीं गया, इनका मैं स्टाइल नहीं। हैदराबादी है, मुझे नहीं लग रहा हैदराबादी कि ये स्टाइल वो है है। इनका। जी अच्छा ये हैदराबादी हाँ है एक्शन चेन के। जी 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 मैं हैदराबाद ही हूँ। हाँ नहीं वो तो जी खैर मुझे शुक्रिया। अंदाजा हो गया था। द पॉइंट इज के हम जैसे अभी आमिर भाई ने कहा कि आपने कहा कि क्यों, के अल्लाह ताला ने कहा, अगर अल्लाह ताला ने कहा, अगर अगर वाकई ये बात है तो फिर अल्लाह ताला कुछ और वहां दूसरी शरीयत में दूसरा हुक्म दे सकता है, लेकिन मैं ये सारी चीजें कह ही नहीं रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि ये इस तरीके से औलाद हुई और इस तरीके से नहीं हुई, ये हम नहीं जान सकते जो अवेलेबल रिसोर्सेज है। मैं ये पॉइंट लेकर चल रहा हूं। ओके ओके, जजाकल्ला, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, जजाकल्ला। चले ठीक है देखें ये एक बात इन्होंने की थी, ये इनसे इजाजत ले लें। हाँ हजरत, ये असल में इनको गलत फहमी इन्होंने कहा कि ओ अच्छा, जब मैंने वो जवाब दिया उस चीज पे तो कहते हैं वो, अच्छा इसका मतलब है मोरालिटी जो है वो सब्जेक्टिव। मेरी बात सुने, मुसलमानों का ये इस्लाम का क्लेम नहीं है कि मोरालिटी ऑब्जेक्टिव है सब्जेक्टिव, ये बड़ी सेकेंडरी बात है। मुसलमानों का क्लेम ये है कि मोरालिटी सारी की सारी जो सोर्स है वो अल्लाह की जात है, वो बताता है क्या ठीक है क्या गलत। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव तो ये बात की बहसें हैं फ्रूई।